हेलो एवरीवन, हमारे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस देखा आपने मेरे छोटे ने क्या बोला, तो ब्लॉग का आनंद लीजिए और मेरे साथ बने रहिए ब्लॉग में, बहुत ही मजा आने वाला है। चलते हैं ब्लॉग की ओर। इन कच्चे रास्ते से जा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। फ्रूट खाने वाले हैं, कौन सा फ्रूट खाने वाले हैं तो अभी आप लोगों को नहीं बताया जाएगा, बस पहुँचते हैं तो वहाँ पर बताते हैं आपको फ्रूट। तो गाइस देखिए तालाब का खूबसूरत नज़ारा है। तालाब के बीच में ही पेड़ है, जामुन पेड़ है, जो काफ़ी ज़बरदस्त दृश्य दिख रहा है। यहाँ से देख सकते हैं हमारा राजेश भाई लगी लेके तैयार है जामुन खाने के लिए, और तालाब काफ़ी आधा सूख चुका है। ये जून के महीने में और थोड़ा सा सूख जाएगा, बारिश पड़ने के बाद वापस से पानी बढ़ जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं जामुन बहुत ही ज़्यादा है पेड़ में और बहुत ही ज़्यादा पका हुआ लग रहा है। तो देखते हैं अभी खा के कैसा रहेगा, अभी तोड़ेंगे। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने बहुत सारा जामुन तोड़ लिया है, लेकिन हम लोग का प्लास्टिक फट गया और अचानक बहुत तेज़ बारिश हो जाने के कारण हमारा वीडियो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। देख सकते हैं कि हम लोग ने कितनी सारी जामुन तोड़ लिया है। तो गाइस देख सकते हैं मौसम पूरा ख़राब हो चुका है, जामुन खाने का पूरा मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, जामुन हम लोगों ने बहुत अच्छी जामुन तोड़ लिया है। देख सकते हैं एक प्लास्टिक यहाँ है, एक प्लास्टिक यहाँ पे है, और बहुत अच्छे से जामुन तोड़ लिया। देख सकते हैं वातावरण, बारिश धीमे धीमे बारिश भी हो रहा है, और यहाँ पर देख सकते हो ऊपर आपको दिख पा रहा होगा। गाइस जूम करके दिखाता हूँ, पता नहीं चल रहा है, लेकिन जामुन बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही मीठे जामुन है, तो खाने का कुछ मज़ा अलग है। तो गाइस देख सकते हैं आसपास, मतलब जामुन पेड़ के बाजू में ही तालाब है, वो काफ़ी सुंदर नज़ारा है। आप देख सकते हैं मैं वीडियो में आपको दिखा पा रहा हूँगा। अगर ये दृश्य आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए गाइस। और देख सकते हैं ये पानी में पूरी तरह से भींग चुका है जामुन खाने के चक्कर में। तो गाइस बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन पूरा इन्जॉय रहेगा वीडियो में। देख गाइस हम लोग थोड़ी थोड़ी भींग चुके हैं क्योंकि बारिश अचानक हो जाने के कारण, अभी बारिश करीब करीब रुकने जा रही है, लेकिन पेड़ पे जब थे हम लोग बारिश बहुत ज़बरदस्त आ गई थी अचानक। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा है।